तो आज हम बेसिक प्रीमिक्स बनाने वाले हैं और इस बेसिक प्रीमिक्स से आप कई तरह के केक बना सकते हैं अलग अलग फ्लेवर देके। और इस बेसिक प्रीमिक्स को बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम बेसिक प्रीमिक्स के साथ आपको केक बनाना भी बताएंगे, कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेसिक प्रीमिक्स बनाने के लिए एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें हम लेंगे एक कप मैदा। और केक बनाने में सारी चीज़ों का मेज़रमेंट होना ही ज़रूरी है, तो ही हमारा परफेक्ट केक बनकर तैयार होता है। और यहाँ मैंने हाफ कप चीनी ली है, चीनी को मैंने मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर कर लिया है। और हम इसमें अब लेने वाले हैं 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर और 2 टेबल स्पून भर के हम लेंगे कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून भर के लेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने लिया है यहाँ बेकिंग सोडा और यहाँ हमने लिया है 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड डालने से हम अपने प्रीमिक्स को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। हमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हमें इसमें 1/4 टीस्पून ही लेना है। और एक बात का ख़ास ध्यान रखें आप, अगर आप जब भी प्रीमिक्स बनाएं तो इस बात का ध्यान रखते हुए बनाएं कि सारी चीज़ों को मेज़रमेंट कर कर ही आप लेंगे, तो ही आपका प्रीमिक्स अच्छी तरह से बनेगा और उससे ही आपका केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है, तो एक बार मिक्सी में चला लेंगे ताकि इसमें जो भी मोटे टुकड़े वगैरह जो भी होंगे ना, तो ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। तो अब हम इसे छान लेंगे। तो इसे अगर हम छान कर रखेंगे ना, तो जब भी हम केक बनाना चाहेंगे ना, तो फटाफट से हम इस प्रीमिक्स को लेकर केक बना सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रीमिक्स को छान लिया है, तो अब इसे हम अलग कर देंगे। तो यहाँ बहुत ही आसानी से हमने प्रीमिक्स बना लिया है। और इस प्रीमिक्स को आप किसी साफ़ से कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन चाहे आप इसका प्रीमिक्स से केक बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने, आप देख सकते हैं, होममेड केक प्रीमिक्स का टैग भी लगा दिया है। और इस प्रीमिक्स से आप काफ़ी फ्लेवर के केक भी बना सकते हैं। इस प्रीमिक्स में आप जो भी फ्लेवर डालेंगे ना, तो उसी फ्लेवर में आपका केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रीमिक्स से मैं आपको केक बनाना भी बताऊंगी। तो यहाँ हमने कप लिया है, अब इसमें हम डालने वाले हैं हमारा बेसिक प्रीमिक्स जो हमने तैयार करा है। कप को हम बिल्कुल लेवल कर कर ही लेंगे, बहुत ज़्यादा फुल नहीं करेंगे, बिल्कुल लेवल से ही हमें लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कप को बिल्कुल हमने लेवल कर कर ही लिया है, बहुत ज़्यादा फुल नहीं करा है। अब एक बाउल में हम डाल देंगे हमारा 1 कप प्रीमिक्स और इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ मैंने 1/2 कप पानी लिया है, पानी को हम थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे, एकदम से बहुत सारा नहीं डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा और पानी डालेंगे, तो अभी बैटर काफ़ी थिक है, हम और पानी डालेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने, हमारा यहाँ बैटर रेडी है। तो यहाँ मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाने वाली हूँ, तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस, इसे डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा यहाँ बैटर रेडी है। अब यहाँ मैंने 6 इंची का केक टिन लिया है, जिसे ऑयल से ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा केक का बैटर, अच्छे से टेप कर लेंगे। और केक को हम पतीले में बेक करने वाले हैं, तो यहाँ मैंने 5 मिनट पहले पतीले को गर्म पर रख दिया था। अब इसमें हम रख देंगे हमारा बैटर और इसे कवर कर देंगे 30 से 35 मिनट तक। इसे हम इसी तरह से ही स्लो फ्लेम पर रख कर छोड़ेंगे। तो यहाँ 35 मिनट्स हो गए हैं, अब हम हमारे केक को चेक कर कर देखेंगे। तो केक अच्छी तरह से बेक होता हुआ नज़र आ रहा है, नाइफ़ की हेल्प से चेक करेंगे तो नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आ रही है, तो इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो केक को हमने निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो इसके ऊपर एक साफ सा कपड़ा डाल देंगे हम। ठंडा होने के बाद केक अपनी साइड्स छोड़ देता है, तो अब हम इसे बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा केक बनकर तैयार हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, हम आपको इसे काट कर चेक कर कर भी बताएंगे अंदर से कितना अच्छा हमारा जालीदार केक बनके तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट बना है, यहाँ आप देख सकते हैं।
तो आप भी इस तरह का घर पर प्रीमिक्स बनाकर हर तरह के फ्लेवर में केक बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान था इस तरह से बेसिक प्रीमिक्स बनाना। तो अगर आपको मेरी बेसिक प्रीमिक्स की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी करें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी बेसिक प्रीमिक्स की रेसिपी कैसी लगी।